माल रोड पर किए जा रहे सुधारीकरण कार्य में अत्यधिक देरी हो रही है। इस देरी के खिलाफ व्यापारियों ने माल रोड पर धरना प्रदर्शन कर लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों के इस धरना प्रदर्शन में अलग अलग राजनीतिक दलों ने भी हिस्सा लिया। लोक निर्माण विभाग मसूरी माल रोड पर सुधारीकरण कार्य कर रहा है, लेकिन विभाग इसमें काफी समय लगा रहा है, जिस वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग के इस लेट लतीफी के खिलाफ मसूरी व्यापार मंडल ने धरना प्रदर्शन किया और जमकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का खामियाजा पर्यटकों और आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है और अब तक मसूरी की माल रोड का कार्य पूरा नहीं किया गया है, और जिस गति से विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है उससे तो लगता है अगस्त माह तक ये कार्य पूरा नहीं होगा। इसका असर पर्यटन सीजन पर भी पड़ेगा। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि विभाग द्वारा कछुआ गति से कार्य किया जा रहा है, इसका सबसे ज्यादा असर स्कूली छात्र छात्राओं पर भी पड़ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा ये कहा गया था कि 20 अप्रैल तक रोडों का काम दुरुस्त हो जाएगा, रोडों का रखरखाव हो जाएगा, उसके बाद 30 अप्रैल की डेडलाइन दी गई, पर आज तक कोई भी स्थिति जो देख रहे हैं माल रोड की, चाहे वो किताबगढ़ की हो, चाहे वो खुलड़ी बाजार की हो, लंडौर बाजार की हो, स्थिति दयनीय है। किताबगढ़ में पिछले 3 माह पूर्व काम शुरू हुआ था, आज तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। कॉबलिंग की सामग्री पिछले 2 महीने से पड़ी है जिसका कार्य शुरू नहीं हो रहा है। कॉबलिंग के सामग्री के कारण बाजार में जाम लगता है, बाजार में परेशानी होती है, और ना ही पुलिस प्रशासन और ना ही जिला प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान दे रहा है। आप ये देख रहे हैं कि लगातार शासन प्रशासन सिर्फ समय दे रहा है। मार्च से लेकर आज मई हो गई, लेकिन कार्य की गति वही कछुआ गति है। आज भी वही 3 महीने पहले ये लाइब्रेरी का काम शुरू हुआ था, आज भी उसकी स्थिति जस की तस है। पूरी माल रोड की दुर्दशा हो चुकी है। हम विकास विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास का समय सुनिश्चित होना चाहिए, विकास का काम सही समय पर होना चाहिए। आज मसूरी का पर्यटक सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन जो यहाँ पर जो पर्यटक आ रहा है वो एक गलत मैसेज लेकर जा रहा है, और मसूरी की जो छवि है वो धूमिल हो रही है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।